महाराष्ट्र करनी सेना बीजेपी विधायक गणेश नाइक के बचाव में उतर गई है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह सेंगर ने गणेश नाइक के खिलाफ दीपा चौहान द्वारा दर्ज रेप केस को बदनाम और ब्लैकमेल करने वाला साजिश बताते हुए महाराष्ट्र सरकार से इसे रद्द करने की अपील की। अजय सिंह सेंगर ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब पति पत्नी जैसा रहना है, इसमें गणेश नाइक ने गलती कहां की है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह सेंगर ने रेप केस में घिरे बीजेपी विधायक गणेश नाइक को खुला समर्थन देते हुए शिकायतकर्ता दीपा चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अजय सिंह सेंगर ने कहा कि लिव इन रिलेशन पति पत्नी का पवित्र नाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों में माना गया है, लेकिन दीपा चौहान ने रेप केस दर्ज कराकर इस नाते को कलंकित कर दिया है, जबकि गणेश नाइक ने उसके साथ कोई गलती नहीं की है। अजय सेंगर ने कहा कि महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकनकर ने यह झूठा केस दर्ज कराने के लिए दीपा चौहान को प्रेरित किया। यह सब गणेश नाइक को बदनाम और ब्लैकमेल करने की साजिश है। लिव इन रिलेशन ये पति पत्नी श्री का दर्जा रहता है उसके अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट ने और हाईकोर्ट ने बहुत से जजमेंट के अंदर क्लियर किया है, ये पति पत्नी श्री का एक नाता है और इस नाते को कलंकित करने का काम दीपा चौहान नामक एक महिला ने की है। उन्होंने माजी मंत्री गणेश नाइक इनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगाया है। यह पूरी कहानी गलत है कि बलात्कार नहीं हो सकता है लिव इन रिलेशन के ऊपर, पति पत्नी का नाता है। उन्होंने जोर जबरदस्ती भी नहीं की है, पहली कंप्लेंट के अंदर अगर देखा जाए। करनी सेना के महाराष्ट्र चीफ अजय सिंह सेंगर ने जोर देकर कहा कि दीपा चौहान को पता था कि पूर्व मंत्री गणेश नाइक विवाहित हैं, फिर भी उन्होंने लिव इन रिलेशन में शारीरिक संबंध रखा, जो कानूनन जुर्म है। करनी सेना चीफ ने आरोप लगाया कि जिस तरह महिला आयोग ने इस मामले में आग में घी डालने का काम किया, वह भी सरासर गलत और अन्याय है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। अजय सिंह सेंगर ने गणेश नाइक पर रेप का झूठा केस दर्ज कराने वाली दीपा चौहान पर भी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल गिरफ्तार कर जेल में डालने की भी मांग दोहराई। दीपा चौहान इन्होंने दो ही मांग की थी जिन्होंने नेहरू पॉलिटिशन में की थी, उसमें कि बच्चों को पिता का नाम करके गणेश नाइक का नाम मिलना चाहिए और प्रॉपर्टी के अंदर आधा हिस्सा चाहिए गणेश नाइक के। और जब वो महिला आयोग की तरफ गई तो महिला आयोग की रूपाली चाकनकर इन्होंने एक बदला लेने के लिए उस महिला को झूठी कंप्लेंट मारने के लिए प्रेरित किया है। और सेकंड कंप्लेंट के अंदर सीबीडी बेलापुर में जब सेकंड कंप्लेंट की उसके अंदर बलात्कार के आरोप लगाया है। यह सरासर गलत है, किसी निर्दोष पुरुष को फंसाना उस महिला को यह शोभा नहीं देता है, क्योंकि विवाहित पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध रखना, लिव इन रिलेशन के अंदर रहना, यह कानूनी जुर्म है और उस महिला को जेल के अंदर डालना चाहिए, यह हम मांग करते हैं। और हमारी अगर महिला आयोग अगर ऐसे ही प्रकरण के अंदर पेट्रोल डालने का काम करती है तो महाराष्ट्र सरकार ने पुरुष आयोग का निर्माण करना चाहिए। और गणेश नाइक ये निर्दोष है, इनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है उस सरकार ने राज्य सरकार ने त्वरित विड्रॉल करना चाहिए, यह हम मांग करते हैं। फिलहाल गणेश नाइक की अग्रिम जमानत याचिका थाने सेशन कोर्ट में लंबित है, जिस पर 30 अप्रैल को अंतिम फैसला आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।